जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई मरीजों की मृत्यु भी हो रही है। ऐसे समय में मरीजों को बेड कम न पड़े ऐसी व्यवस्था की जाए, मुंबई की तर्ज पर प्रबंधन कर मरीजों को बेड उपलब्ध करवाए, यह निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम ने प्रशासन को दिए। जिला परिषद के सभागृह में आयोजित COVID-19 की जायजा सभा में पालक मंत्री ने उक्त निर्देश दिए। इस समय विधायक अभिजीत वंजारी, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिलाधिकारी संदीप कदम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, निवासी उप जिलाधिकारी शिवराज पडोले, जिला शल चिकित्सक डॉक्टर शेखर नायक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत उइके उपस्थित थे। कोविड मरीजों को प्रशासकीय तथा निजी अस्पतालों में बेड की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, यह गंभीर समस्या है। जिले में मुंबई की तरह प्रबंधन करने पर मरीजों को असुविधा नहीं होगी। भंडारा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रकल्प स्थापित किया गया। उप जिला अस्पताल व ग्रामीण अस्पताल में भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश पालक मंत्री ने दिए। पालक मंत्री कदम ने कहा कि डॉक्टर तथा नर्सेस के रिक्त पद शीघ्र भरे। पालक मंत्री कदम ने आगे कहा कि चिकित्सकीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी कोविड केयर सेंटर में इंटर्नशिप के लिए नियुक्त करे, साथ ही नर्सिंग के विद्यार्थियों का भी इसमें समावेश करे, साथ ही होम्योपैथी डॉक्टर का समावेश भी कोविड केयर यूनिट में करे। इस समय विधायक अभिजीत वंजारी, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे ने कहा कि जिले में कोविड मरीजों के संदर्भ में बात करते समय कहा गया कि मरीजों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए कार्रवाई भी जरूरी है। जो जानबूझकर मरीजों को सेवा देने में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले में 500 से 800 ऑक्सीजन बेड और बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस समय जिलाधिकारी ने बताया कि जिले को अब तक 288,000 वैक्सीन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 244,000 डोज नागरिकों को लगाए गए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।